साहब इकडून या इकडून या वर्त कसं काय भागवतो सावत संगो दोस्तों जय भीम नव उद्याय। मैं नीलेश ओंकार। रात के 12:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर भीमा कोरेगांव में मानवंदना दी जा रही है भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ को। किस तरह से जल्लोष के साथ यहाँ पर पहले तो सबसे पहले बुद्ध वंदना ली गई और भिक्खु संघ के द्वारा पहले मानवंदना दी गई, उसके बाद अभी समता सैनिक दल के द्वारा यहाँ पर शौर्य स्तंभ को उन 500 वीर महारों को मानवंदना दी जा रही है जिन्होंने 28,000 पेशवाओं पर जीत हासिल की थी और एक नए परिवर्तन की शुरुआत उस समय से हुई थी।
आप देख रहे हैं कि किस तरह से रात के 12:30 बजे भी लोगों का जो जल्लोश है, जो उत्साह है, जीत का जो उल्लास होता है वो कायम है और लोग यहाँ पर बड़े ही समता सैनिक दल जो है वो एक सामाजिक संगठन है और समता सैनिक दल जो है वो समाज की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये समता सैनिक दल के द्वारा आज शौर्य विजय स्तंभ को मानवंदना दी जा रही है और लोगों की जो भीड़ है यहाँ पे वो देखने लायक है, लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है क्योंकि 200 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं उस विजय को, उस ऐतिहासिक विजय को, जो विजय 200 साल पहले हमारे 500 शूरवीर महारों ने वीर सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में हासिल किया था और पेशवाओं की परास्त हुई थी, बहुत ही शर्मनाक परास्त उनकी हुई थी और तब से ही समाज में एक नया परिवर्तन शुरू हुआ था। जो शूद्र अति शूद्र लोग थे, जिनके गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधा गया था, उन लोगों को उनका जो मटका और जो झाड़ू है वो तब से ही छूट गया और उन लोगों को एक मानवता का अधिकार जो है वो यहाँ पर मिलने की शुरुआत हो गई और एक नया संघर्ष उस समय से शुरू हुआ। आज जो जल्लोश आप देख रहे हैं यहाँ पे वो उसी विजय का ये जो उदाहरण है, उसी विजय का जो जल्लोश है वो यहाँ पर लोग मना रहे हैं। 200 साल उस शौर्य विजय को पूरे हो चुके हैं और वीर सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में जो 500 महार लड़े थे भीमा नदी के तट पर, 28,000 पेशवाओं की परास्त हुई थी, उसी भीमा कोरेगांव के शौर्य स्तंभ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे भारत से ही नहीं तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं, जो भी समतावादी लोग हैं, जो भी परिवर्तनवादी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मानवंदना यहाँ पर देते हैं और उन 500 वीर महारों को अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं। ये जो जल्लोश आप देख रहे हैं, 12 बजे यहाँ पर लगभग बुद्ध वंदना की गई पूज्य भिक्खु संघ के द्वारा और उसके बाद यहाँ पर जो पटाखे हैं वो छूट रहे हैं और पटाखों का जल्लोश यहाँ पर हो रहा है। उसके साथ ही समता सैनिक दल के माध्यम से यहाँ पर मानवंदना भी दी जा रही है और जो भीड़ है यहाँ पे लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इस वर्ष 200 साल पूरे हो रहे हैं और लोग यहाँ पर ये जो शौर्य का विजय का जो एक उल्लास होता है वो मनाने यहाँ पर आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि रात के 12:30 बज गए हैं और लोगों की जो भीड़ है वो ये साबित कर रही है कि ये जो विजय है, ये जो 1 जनवरी 1818 का जो विजय है और जो एक मानवतावादी क्रांति उस समय हुई थी, उस क्रांति को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो अभिवादन है उन 500 महारों के प्रति वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, उनको सलाम अपना पेश कर रहे हैं। 1 जनवरी 1818 को वो ऐतिहासिक युद्ध यहाँ पर हुआ था जिसका जिक्र जो है वो दुनिया में हुआ करता है क्योंकि ये जो युद्ध था वो एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था दुनिया में, क्योंकि एक तरफ 500 महार योद्धा थे जो 2 दिन से भूखे थे और एक तरफ 28,000 पेशवाओं के सैनिक थे जो सभी हथियारों से लैस थे। ये युद्ध जो हुआ था वो अस्मिता के लिए लड़ा गया था, ये किसी सत्ता हथियाने के लिए या राजपाट के लिए ये युद्ध नहीं हुआ था। और ये युद्ध जब हुआ तो वो 500 भूखे महार, 2 दिन से भूखे महार भीमा नदी को पार करके यहाँ पर आते हैं और जिस जगह आज हम खड़े हैं और 28,000 पेशवाओं को वो परास्त करते हैं, 28,000 पेशवाओं को वो मार गिराते हैं और ये युद्ध जो है उस पर विजय हासिल करते हैं। इस युद्ध के पहले जो उस युद्ध का जो मुखिया था जिसे हम दूसरा बाजीराव कहते हैं, उस दूसरे बाजीराव को जब सिद्धनाथ महार मिले थे युद्ध के पहले और ये उनको रिक्वेस्ट किया गया था, उनसे विनती की गई थी कि हमारे जो मानवीय अधिकार है, हमारे गले में जो मटका है और कमर में जो झाड़ू है, हमें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता है, वो अधिकार हमें दीजिए तो हम आपकी तरफ से लड़ते हैं और अंग्रेज़ों को परास्त करते हैं। लेकिन बाजीराव जो पेशवा था दूसरा, वो बोला था कि सुई के नोक पर जितनी जगह होती है उतना भी अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, तब से
तब सिद्धनाथ महार को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत अपमान हुआ उनका। उन्होंने फिर ठान लिया कि किसी भी तरह से हमें हमारे अधिकार चाहिए, और उन्होंने फिर अंग्रेजों से मिलकर पेशवाओं के साथ युद्ध किया और 28,000 पेशवाओं को हराया, उन पर विजय हासिल की। और तब से लेकर आज तक ये जो विजय है, वो विजय की याद में जो है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भीमा कोरे गांव में भीमा नदी के तट पर एक स्तंभ यहाँ पर बनवाया था। और उस स्तंभ को जब बाबा साहब को ये बात मालूम चली, बाबा साहब जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पढ़ाई में ये इतिहास आया, और तब से उनको पता चला कि शौर्य की, हमारे महार कम्युनिटी की शौर्य की गाथा यहाँ पर ऐसी है, और उसके याद में अंग्रेज़ों ने स्तंभ बनाया है। तो उन्होंने ये स्तंभ ढूंढ के निकाला, और तब से जो परिवर्तनवादी लोग हैं, जो इस देश का बहुजन समाज है, वो यहाँ पर आता है और उन 500 वीर महारों को सैल्यूट करता है, सलाम करता है, उनको अभिवादन करता है। और उसी तरह से आज उस घटना को पूरे 200 साल हो रहे हैं, और 200 साल पूरे होने के उपलक्ष में यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है वो दुगनी गति से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि रात के 12:30 बजे भी यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पर लोगों की है। और समता सैनिक दल जो है वो इन वीर महारों को सलाम कर रहा है, मानवंदना दे रहा है, सैल्यूट कर रहा है। समता सैनिक दल का जैसे कि उनका जो काम है समाज की सुरक्षा करना और समाज में डिसिप्लिन लाना और समाज की सुरक्षा के खातिर ये संगठन बनाया गया था, तो वो जो समता सैनिक दल के जो सैनिक है वो सैनिक यहाँ पर भीमा कोरे गांव के शौर्य स्तंभ को अपनी मानवंदना दे रहे हैं, अपनी मानवंदना दे चुके हैं। अपने डिसिप्लिन से, अपने शिस्तबद्ध तरीके से कतारबद्ध होकर जो समता सैनिक दल का जो बटालियन है वो यहाँ पर मानवंदना देकर जा रहा है। शौर्य स्तंभ को 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में ये जो समता सैनिक दल के जो सैनिक है वो यहाँ पर मानवंदना अपनी देने आए थे, और 200 साल पूरे होने के उपलक्ष में समता सैनिक दल के द्वारा उन वीर 500 महारों को अपनी मानवंदना यहाँ पर पेश की गई, सलाम पेश किया गया। और लोग जो है वो रात के 12:30 बजे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लोगों ने यहाँ पर कितनी भीड़ करके रखी है, कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, और भारत से ही नहीं तो दुनिया भर से जो इतिहासकार है, जो जानकार है, जो जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, और जो जो परिवर्तनवादी लोग हैं, जो समतावादी लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और भारत के सभी बहुजन लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मानवंदना यहाँ पर उन वीर 500 महारों को पेश करते हैं। और एक उत्साह यहाँ पर लोगों में नज़र आता है, 200 साल उस युद्ध को, उस संघर्ष को, उस मानवता के संघर्ष को आज पूरे हो गए हैं। अभी से रात के 12:30 बजे बज गए हैं लगभग, और अभी से लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इस वर्ष इस क्रांति भूमि पर, इस शौर्य भूमि पर, इस विजय भूमि पर आते हैं, और इस विजय स्तंभ को, शौर्य स्तंभ को, भीमा कोरे गांव के शौर्य स्तंभ को अपनी मानवंदना पेश करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि समता सैनिक दल यहाँ पर इस शौर्य स्तंभ को मानवंदना देकर चला गया है। उसके पहले यहाँ पर जो भिक्खू संघ है, भिक्खू संघ ने बुद्ध वंदना लेकर यहाँ पर मानवंदना की शुरुआत की थी। आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे जो
पीले पीले फेटे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बटालियन है या ये जो ग्रुप है ये और कर्नाटक के ये भीम सैनिक है जो रात के एक बजे, अभी एक बज रहा है और रात के एक बजे ये लोग जो है इस शौर्य विजय स्तंभ को अपनी मान वंदना पेश करने आए हैं। कर्नाटक से ये ग्रुप आया है भीम सैनिकों का। तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक लाजवाब नज़ारा आपको दिख रहा है। पीले फेटे, नीला कुर्ता और वाइट पैंट पहने हुए ये सारे जो सैनिक है, भीम सैनिक है, ये बताया जाता है कि कर्नाटक से आए हैं और कर्नाटक से ये लोग यहाँ पर शौर्य स्तंभ को, विजय स्तंभ को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपनी मान वंदना जो है वो पेश करने आए हैं। और सारे जो लोग हैं ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। पीले फेटों में सारे भीम सैनिक और सारे जो जवान हैं वो हाथ में मोमबत्ती लेकर, हाथ में दीप लेकर जो है वो यहाँ पर उन 500 वीर महारों को अभिवादन करने आए हैं, सलूट करने आए हैं और सलाम करने आए हैं। इस तरह से इस वर्ष का जो ये नज़ारा है, इस वर्ष का जो ये उल्लास है उस जीत का जो 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे 500 महावीरों ने हमें जीत कर ये जो संघर्ष है वो हमारे हाथ में दिया था और एक नए परिवर्तन की शुरुआत उस समय उन वीर 500 महारों ने अपनी जान की बाजी देकर, जान की बाजी लगाकर ये जो मानवीय अधिकार जो थे वो हमें दिलाकर हमें दिए हैं। उसी खुशी में या उसी विजय के उल्लास में आज भी लोग हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर आते हैं और उन वीर महारों को, उन वीर शूरवीरों को सलाम करते हैं और मानवंदना अपनी जो है वो पेश करते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा है कि देश भर से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मानवंदना देते हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं पीले फेटों में, ये कर्नाटक का ग्रुप है, कर्नाटक का समता सैनिक दल का शायद ग्रुप है ये, और ये जय भीम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और मानवंदना देना चाहते हैं। ये बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है रात के एक बजे। अपने एक अलग ही ढंग से कर्नाटक से आया जो ग्रुप है, जो बटालियन है समता सैनिक दल की, वो उनके अपने तरीके से वो लोग हाथ में मोमबत्ती लिए और सिर पर पीला फेटा बांधे और नीली कुर्ती में, वाइट पैंट में ये लोग जो यहाँ पर आए हैं उन 500 वीर महारों को सलामी देने के लिए, उनका जो नज़ारा है वो देखने लायक है और उनका जो जोश है, उनका जो उत्साह है वो देखने लायक है। ये ऐतिहासिक विजय है और उस ऐतिहासिक विजय के 200 साल इस वर्ष पूरे हो गए हैं और इसलिए ये जो खुशी है वो भी दुगनी हो रही है कि 200 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं उस ऐतिहासिक विजय को। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये विजय जो है वो दुनिया में एक ऐतिहासिक विजय के रूप में देखा जाता है, इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध की तरफ। और ये युद्ध जो हुआ है, मैंने कई बार अपनी बातों में बताया है कि ये एक अनोखा युद्ध है जो किसी सत्ता के लिए नहीं, किसी राजपाट के लिए नहीं या फिर किसी ज़मीन के लिए नहीं हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो मानवीय अधिकार प्राप्त करने के लिए हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो अस्मिता के लिए हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो सम्मान के लिए हुआ था और इसीलिए इस युद्ध को दुनिया में एक अलग महत्व है। और इसी कारण अंग्रेज़ों ने भीमा नदी के तट पर, भीमा कोरे गांव में, ये शौर्य स्तंभ जो है ये स्थापित किया था उन वीर 500 महारों की याद में। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी भी हर वर्ष यहाँ पर आते थे और उन वीर महार योद्धाओं को सैल्यूट करते थे, उनको सलाम करते थे और मानवंदना देते थे। और जब से ये बात लोगों को पता चली वो तब से लगातार यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या जो है, जनता की संख्या जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। दिन ब दिन ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आज लगभग 200 साल पूरे हमने कर लिए हैं उस ऐतिहासिक युद्ध को।
और इसीलिए इस वर्ष जो है वो विजय की विजय का जो उल्लास है, उस ऐतिहासिक विजय का जो उल्लास है वो दुगनी गति से यहाँ पर बढ़ रहा है। इसका अंदाज़ा जो है वो हम इस फुटेज से लगा सकते हैं कि रात के एक बज गए हैं, रात का एक बजा है और नया साल शुरू हो गया है और लोग जो है, लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और लोग यहाँ पर अपनी मान वंदना पेश कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको कर्नाटक के बटालियन का ग्रुप दिखाया, जो एक मनमोहक नज़ारा था, इस तरह से लोग अपनी मान वंदना यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये कल एक जनवरी जो नया साल है और इस युद्ध का दिन है, इसी दिन यानी कि 1 जनवरी 1818 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में 500 वीर महारों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और ये समाज में नए परिवर्तन की शुरुआत थी। और तभी से इस देश के मूल निवासी को, इस देश के शूद्र जिन्हें कहा गया था, शूद्र जिन्हें बनाया गया था मनुस्मृति के द्वारा, उनको मानवीय अधिकार मिलना शुरू हुए और उनका जो मटका है गले में और जो कमर में जो झाड़ू था वो इसी युद्ध के बाद वो छूट गया और जो पेशवाई थी यहाँ पर, जो ब्राह्मणों का राज था, वो भी खत्म हो गया। इसीलिए लोग हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर आते हैं और अपनी मानवंदना पेश करते हैं और आज इस युद्ध को, इस ऐतिहासिक विजय को 200 साल पूरे हो रहे हैं। हम कल भी लगातार यहाँ से आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिएगा लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। प्रभाव गाड़ी ली थी पेशवाई खेला भर मिघाव इतिहासात अजरामर शूर महाराज ना पेशव्यांसाठी लढा वाढू द्या आमची शान तुमचे राजे आम्ही ठेवा तुम्ही ही जाण बदले महार काय देता आम्हा सन्मान तुमच्यासाठी लावू आमचा पणास प्राण अहंकाराने चिढला तो पेशव्यांचा बाजीराव ए भीमा कोरेगाव केले भीमा कोरेगाव